दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कपिता की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। के कपिता पर आरोप है कि वो शराब घोटाले से जुड़े उस साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य है जिसे लेकर जांच एजेंसियों का आरोप है। इस ग्रुप ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले 100 करोड़ रुपए का घूस दिया था। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में बीआरएस पार्टी के विधायक के कविता की भी मुश्किलें कम होने का आप नाम नहीं ले रही। एक और आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी खतरे में आ चुकी है तो दूसरी ओर बीआरएस की नेता के कविता भी पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के शिकंजे में आ चुकी है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सीबीआई अफसरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ ऐसी ही खबरें इसके पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रही थी। केजरीवाल को लेकर भी आरोप लग रहा था कि पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जब उसकी कस्टडी से वो छूटेंगे तब सीबीआई उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन इधर के कविता अब सीबीआई के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है। अब के कविता को सीबीआई के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तक के कविता ईडी की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रही थी। के कविता को हैदराबाद में उनके घर से पिछले महीने 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता। इससे पहले दिल्ली के राव जेवन्नी कोर्ट में जमानत के लिए उनके द्वारा अर्जी दी जा चुकी थी। अब उनकी अंतरिम जमानत याचिका भी राव जेवन्नी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। बता दें कि पिछले महीने 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी की गई थी। बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने दिल्ली की अदालत को बताया कि उन्होंने तिहाड़ जेल में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ की। दिल्ली की अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को इजाजत दी थी कि वो जेल में के कविता से पूछताछ कर सकती। हालांकि के कविता ने इसे चुनौती दी थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि के कविता के साथ इस ग्रुप ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले 100 करोड़ रुपए का घूस दिया था। के कविता ने मंगलवार को जेल से ही एक खत लिखा था और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही इस जांच से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है और उनकी निजता का भी उल्लंघन बताया गया था। हालांकि कोई नया मामला नहीं है जब गिरफ्तार किया गया कोई नेता ईडी या सीबीआई पर आरोप लगा रहा। इसके पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तारी से पहले ही लगातार ईडी पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। हालांकि उनकी आरोप साल डेढ़ साल पहले से ही चल रहे थे लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर के कविता भी अब सीबीआई की गिरफ्त में आ चुकी है। इस खबर को लेकर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।